क्या बात है। नमस्कार, वंदन है आप सभी का। प्रणव एंटरटेनर्स की ओर से इतनी खूबसूरत सी सुरीली शाम में, दरअसल आपके बीच बैठकर भी एक नया अनुभव होता है। और अनुभव ये कि सिर्फ कलाकार नहीं गाते स्टेज पर, बल्कि मैंने देखा और महसूस किया और सुना कि आप भी साथ साथ गुनगुनाते हैं। और इन गीतों की ताकत यही है, इस म्यूजिक की ताकत यही है। और इसीलिए चाहे जितनी बार भी सुनते हैं, हमें हमेशा खुशी मिलती है, हमेशा बड़े सुकून की अनुभूति होती है। और आज इतनी बड़ी संख्या में आपसे आए हैं, हम सब की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खासतौर पर कुरुक्षेत्र से विशेष तौर पर रोशन लाल जी हम सब के बीच आए हैं इस कार्यक्रम में। एक बार जोरदार तालियों से उनका और एस एस ढिल्लों साहब, एस एस ढिल्लों आप सबका, बहुत सारे मेहमान पहले से बैठे हैं, उन सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज की शाम के सफर को थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि कई नफात, कई खूबसूरत गीत ऐसे हैं जिनको आप अक्सर गाते गुनगुनाते हैं। और अगला गीत उस शख्सियत को हम डेडिकेट कर रहे हैं जो इसी वर्ष इस दुनिया से उनकी रवानगी हुई, चले गए, लेफ्टिनेंट साहब। और लेफ्टिनेंट साहब की बहुत सारी फिल्में हैं, उसमें से एक फिल्म आप जानते हैं कि प्रोफेसर कितनी मकबूल फिल्म है, बहुत ही पॉपुलर है, उसके सारे गीत कितने पॉपुलर हैं। और उन्हीं उसी फिल्म का एक गीत है, उमा जी अब यहाँ की बजाय वहाँ होंगी आपके सामने मंच पर। और साथ में आम्रपाली, बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही टैलेंटेड लड़की, उन्हीं की बेटी, जिसे पहले भी आपने बहुत बार सुना है। तो उमा महाजन और आम्रपाली को आपके सामने बुलाते हैं। प्रोफेसर फिल्म का वो एक गाना जो बड़े खूबसूरत अंदाज में फिल्म में, जिसे आपने सुना है, आपने उसे महसूस किया है, गाया है, गुनगुनाया है। और फिल्म में तो आशा जी और लता जी ने इस गीत को आवाज़ दी है, लेकिन यहाँ आम्रपाली और उमा जी उस गीत को आवाज़ दे रही हैं। हमरे गांव कोई आएगा, आइए सुनते हैं। उमा जी आ चुकी हैं, आम्रपाली भी आ चुकी हैं इसी गीत के साथ। Yeah.
चंद्रन और रूपाली दोनों ने इस खूबसूरत गीत को जो कि 1962 में आई थी ये फिल्म प्रोफेसर हसरत जयपुरी साहब ने बड़े खूबसूरत अल्फाज इसमें फिरोए हैं और शंकर जयकिशन साहब ने इसका संगीत तैयार किया था उसी फिल्म का ये गीत आपने सुना इन दोनों की आवाज़ में सिलसिले